दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करके हम जानेंगे कि दोनों देशों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लगभग 2 लाख स्कूल्स, 6 लाख टीचर्स और 25 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान में आज भी 10 से 15 मिलियन स्टूडेंट्स स्कूल्स के बाहर हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 315 मिलियन स्टूडेंट्स, 15 मिलियन स्कूल्स और लगभग 1 करोड़ टीचर्स हैं। स्पोर्ट्स में देखें तो पाकिस्तान के पास 10 ओलंपिक मेडल्स हैं, वहीं इंडिया के पास टोटल 28 ओलंपिक मेडल्स हैं। पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति ग्लोबल कंपनीज में सीईओ नहीं है, पर इंडिया में से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अडोब के शांतनु नारायण और नोकिया के सीईओ राजीव सूरी हैं। पाकिस्तान में टोटल 12 बिलियनर्स हैं और इंडिया में टोटल 140 बिलियनर्स हैं। पाकिस्तानी आर्मी में 6,54,000 सैनिक हैं और इंडियन आर्मी में 13,25,000 सैनिक हैं। अब दोस्तों आपकी बारी है, दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी नौसेना समुद्र में एक बड़ी साजिश रचने वाला था। न सिर्फ रचने वाला था बल्कि पाकिस्तानी नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्र में भी घुस आया था। उस समय कमांडर जोतिन रायना पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर थे। कमांडर जोतिन रायना इंडियन नेवी के टोही जहाज से ये देख रहे थे कि कहीं भारतीय सीमा के आसपास दुश्मन का कोई जहाज या पनडुब्बी तो नहीं है। जैसे ही ये बात कमांडर जोतिन रायना को पता चली कि पाकिस्तानी पनडुब्बी भारतीय सीमा में घुस आई है, तो वो तुरंत एक्शन में आ गए और पाकिस्तानियों को भगाने के लिए पश्चिमी बेड़े की भारतीय पनडुब्बी और जहाजों को वहां से जल्द रवाना कर दिया। बेहद ही कम समय में इन जहाजों और पनडुब्बियों ने पाकिस्तानी पनडुब्बी को तीन तरफ से घेर लिया। हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को कुछ सोचने तक का भी मौका नहीं दिया। फाइनली अब पाकिस्तानी सैनिकों के पास सिर्फ एक रास्ता था, वो था भागने का, और वैसे भी पाकिस्तान भागने में काफी एक्सपर्ट है। जैसे ही पाकिस्तानी पनडुब्बी ने अपने आप को घिरते हुए देखा तो वो पीछे की ओर दुम दबाकर भाग गई। दोस्तों भारतीय सैनिकों के लिए एक लाइक और कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हमारा इंडिया पाकिस्तान से बेहतर क्यों है। तो दरअसल गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कई तोहफे मिले थे जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, और उन्होंने उन पैसों को हमारे देश के बच्चों की शिक्षा के लिए लगा दिया था। आप खुद सुन लीजिए। तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग भेंट सौगात देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। अब दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इमरान खान को 3.5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 58 तोहफे मिले थे, और उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए उन सब गिफ्ट को बेच डाला। अब दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा भारत पाकिस्तान से बेहतर क्यों है। अगर आप इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।